मतलब बैंक तो हर कुछ एक साल में मेरे पास आती रहती आई वॉज एक्चुअली डाउन टू वन एंड हाफ टू टू मंथ्स ऑफ सेविंग्स रहे होंगे बैंक में कुछ डेढ़ पौने दो लाख रुपए रुपये क्रश ऑन फिरदौस बहुत सो so, फिरदौस uh, फिजिकली दैट वॉज चैलेंजिंग क्योंकि उसके लिए कभी कभार आवाज़ें जो है वो अलग अलग तरह की मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा ऐसा लगता था कि तुम वोकल कॉर्ड्स को मतलब फाड़ रहे हो अपने आप और निकिया ने अच्छे दोस्त बने उस टाइम पर नमस्कार मेरा नाम है वरुण बडोला और मैंने दिल से बात की है सिद्धार्थ करण के साथ प्लीज सब्सक्राइब टू हिस चैनल नाउ मैंने बात जी हमेशा कहती थी वरुण बदोला इज द फाइनेस्ट एक्टर अराउंड पूछो क्यों क्यों तो ठीक कहती थी अब क्यों बता दो <laughs> क्योंकि उनको लगता था जब लोग हैम करते थे ना टेलीविजन पे तो आप वन ऑफ द गिने चुने लोग थे जो सटल एक्टिंग करते थे तो इतने साल बाद मम्मी ने बोला मैं पास ऑन कर दू मैसेज तो मैंने कर दिया आज थैंक यू सो मच हाँ 1996 में 28 साल पहले मेरा भाई वरुण दिल्ली से आया वो जुनून था मुंबई को जैसे कहते ना यार हिला देने के लिए क्या था मकसद यार जुनून वरुण का तो पता नहीं बट सो so, मेरा लाइफ में जहां तक अपना प्रोफेशन चूज करने का हिसाब किताब है वो एलिमिनेशन पे चल रहा था मुझे ये पता था कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता क्या क्या कर सकता हूँ उसकी कोई लिस्ट थी नहीं मेरे पास एंड फ्रेंकली सो आई हैड अ चॉइस बिकॉज माई फादर अपार्ट फ्राम बींग पोलिटिकल जर्नलिस्ट वॉज ह्यूज इन दिल्ली स्टेज सो मच सो दैट मुझे ये बताया गया दिस इज वॉट आई आई वॉज गिवन टू अंडरस्टैंड दैट क्योंकि दिल्ली थिएटर के जो सिक्सटीज का जो जो रिसर्जेंस पीरियड था उस पर वो बहुत एक्टिव थे तो अभियान और देशांतर नाम के दो ग्रुप्स उस समय हुआ करते जिसमें दोनों के साथ उन्होंने काम किया तो एन वगैरह में पढ़ाया जाता है उनके बारे में ही वॉज़ वन ऑफ दी फाइनेस्ट सिंगर एक्टर्स ऑफ दिस टाइम मतलब फ्रैंकली मैंने दिल्ली में बहुत थिएटर देखा है आई हेवन सीन एनी बड़ी बेटर देन हिम जो कि दोनों चीज़ों में महारत जिनकी हो तो या तो मैं जर्नलिस्ट बनता या मैं एक्टर बनता तो जर्नलिज्म में मुझे लगा कि नहीं यार उस समय तक द प्रोफेशन वाज बेसिकली लूजिंग इट्स चाम सो आई डिसाइडेड टू बिकम एन एक्टर वो भी आसान काम नहीं है क्योंकि उस समय तक कोई ऐसे ये जो आज की डेट में लाइन्स uh, है या चैनल्स हैं उस समय नहीं हुआ करते थे सैटेलाइट चैनल्स तो एक जी टी वी जस्ट अबाउट शुरू हुआ था सोनी ने जो है दो घंटे का टेलीकास्ट शुरू किया था और हम इस कॉन्फिडेंस में बम्बई आए कि एक्टर बनना है बट देन दिस वन इंटरव्यू ऑफ नसीर भाई हेल्प मू अट एक बैक पाइपर सितारों का कारवा करके एक शो आता था एंड उसमें सवाल उनसे पूछा था दट वो एक्टर नहीं बने तो क्या है क्या होगा एंड वाज नेवर कैड बिकॉज कोई यू नो इस उम्र में तय करता है कि उसको आर्मी ज्वाइन करनी है पंद्रह सोलह की उम्र में कोई तय करता है उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है मैंने तय किया कि मुझे एक्टर बनना है आई थॉट इफ यू डोंट टेक द प्लान तो तैर सकते थे या नहीं सकते थे तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा ना वो एफ एन बट पर चली जाती है बात सो so, ऐसा कोई जुनून वनून कुछ नहीं था बेसिकली uh, मतलब उतना हाई स्ट्रांग में हो नहीं लाइफ में कि एकदम से एक दिन उठी जवानी जाग और निर्भयता की आग में खुद को जलाने के लिए मैं यहाँ पे चलाया नथिंग ऑफ दैट सॉन इट वाज अ वेरी थॉट आउट वेल थॉट आउट डिसन कि मैं बम्बई आऊँगा और uh, मेरी भी उतनी फटी पड़ी थी जितनी किसी भी नए uh, बंदे की फटी होती जो कि बम्बई में आता है अपना uh, किस्मत अपनी आजमाने के लिए सो या देर वॉज नथिंग ड्रामेटिक अबाउट इट तो आप बम्बई आए hmm. कोई रहने के लिए जगह था कोई दोस्त था कोई परिवार था क्या था नहीं परिवार था माई सिस्टर एंड माय ब्रदर इंड लॉ दे नॉट शूटिंग नहीं शूटिंग तो मेरे आने के बाद शुरू हुई थी उनका एक प्रोडक्शन हाउस उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ खोला था तो uh, मतलब मैं जिस दिन आया उस दिन मेरे पास काम तो था क्या ये नहीं पता लेकिन काम था ये मतलब कुछ ना कुछ तो करा ही लेंगे इससे तो uh, हाँ रहने के लिए जगह थी आप उनके साथ रहे थे उनके साथ रह रहे थे अलका थी राइट right? अलका और जो खुद एक एक्ट्रेस भी है yeah. तो उन्होंने आपको इंस्पायर भी किया था इस जर्नी में इस डिस में, में नहीं मैंने अपने इस डिसीजन के बारे में फ्रेंकली ना किसी से कभी कुछ पूछा और ना कभी किसी को कुछ बताया हाँ अपने ऑब्वियसली पेरेंट्स को तो न्यूज़ ब्रेक करनी थी एंड uh, मेरे पिताजी जो है ना वो uh, बहुत ही बैलेंस थे इस मामले में कि एक्टिंग करनी यहाँ जाओ करो उससे ज़्यादा बड़ा उनका रिएक्शन होता नहीं था कभी भी सो so, एक्चुअली uh, हुआ ये था कि मैं एक दो जगह पे एक दो नहीं काफ़ी जगहों पे जो है दिल्ली में जब होता था ना ऑडिशन चल रहा है जितना दिल्ली में काम होता है उस अब तो खैर बहुत होता है पहले जितना होता था सो so, सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि आ, अच्छा बड़ोला साहब के बेटे हो तो क्या क्या कर लेते हो एक्टिंग कर लेते हो अच्छा गा लेते हो गा के सुनाओ तो कंपैरिजन इतना ज्यादा होता था ना एवरीबडी वॉन्टेड मी टू बी जस्ट एज गुड एज माई फादर विदाउट एनी एक्सपीरियंस तो आई टोल्ड हिम कि यार ये तो चल नहीं पाएगा एंड फ्रैंकली लाइफ में एक चीज जो पता नहीं सही है गलत तो है मुझे नहीं मालूम लेकिन दैट इज हाउ आई ऑपरेट आई हेट ऑपरेटिंग इन माई कम्फर्ट जोन तो आई टोल डिम कि ये यहाँ पर तो काम चलेगा नहीं उसमें बोला तो मैं माई फादर टोलमी किया मैंने बड़ी मेहनत से अपना नाम बनाया तो वहाँ जाके कोशिश कर ले जहाँ पे कि मेरा नाम बीच में ना आए तो आई सेट कि ठीक है फिर मैं बॉम्बे जा रहा हूँ भाजपा इट वॉज जस्ट एज सिम्पल एज देट सो इंस्परेशन ये ऑबवियसली माई फादर वॉज माई इंस्परेशन बिकॉज एवरी थिंग दर आई डू ही प्रॉबली कुड डू बेटर And uh, with um, a lot more consistency, this is what I feel. Uh, never really done an introspection or retrospection of uh, um, our so-called acting careers together, but uh, this is what I feel that DNA or tha. because he was a very balanced man, so Inspiration, was wo पिताजी uh, से जो शुरू हुई थी वो वहीं पे सीमित थी और किसी ने कि घर में बोला हो कि हाँ हाँ तू कर सकता है कुछ नहीं हाउ डू डिफाइन योर सेल्फ एज असन इट्स नहीं कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं मुझे मतलब uh, <coughs> हालांकि हम लोग जिंदगी अपनी ग्रे में जीते हैं लेकिन मुझे चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा पसंद है जो अच्छा है वो अच्छा है जो नहीं है वो नहीं है और uh, जो बुरा है मैं उसकी तरफ बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्ट नहीं भी होता हूँ और चाहूँ भी तो कुछ ना कुछ है जो कि हमेशा बचा के रखता है सो बट आई जस्ट एंड कीप थिंग्स एज सिंपल एज आई कैन बनेगी ये अपनी बात yeah. शायद आपका पहला ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस ऑफ एनी लेंथ ऑफ एनी लेंथ कितने

सेवन नाइन्टी एट की होगी शायद ये और आ, मैं क्लैब देने के लिए गया था उस समय तो टेलीविजन में भी क्लैब दी जाती थी और मुझे उतना ही काम आता था क्योंकि मैंने कुल मिला के जब मैं क्लैप देने उस शो के लिए गया था जो कि डी बना रहे थे तेशु भाई ने उसका पायलट शूट किया था तो मेरा टोटल वर्क एक्सपीरियंस जो है वो शायद दस या बारह दिन का था <laughs> तो आ, इट्स सो हैपन दैट शायद टोनी ने जो है असटेंट से अपने किसी के पूछा यार लड़का एक्टिंग करता है क्या ये दिखता तो ठीक ही है एंड दैट असटेंट वॉज ऑल्सो अन असिस्टेंट ऑन आर शो तो उसने बुलाया जाके मिल ले दैट वॉज द ओनली टाइम आई एवरवेंट टू मीड अ प्रोड्यूसर फोटो लेकर और उसके बाद कुछ नहीं हुआ फिर एक बार आया कि अच्छा एक ऑडिशन करना है ऑडिशन करने के लिए फिर ग्रीन एकर करके एक बंगलो है माडाइलैंड में मैं वहाँ पे गया दो एक्टर्स और थे तो आई डिड माय बेट एंड आई लैंडेड दैट पार्ट बनेगी अपनी बात वाला उसमें लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत एक मेजर हेल्प दो लोगों ने तो की थी एक का नाम था इरफान खान और दूसरे का नाम था शुदपा उनकी वाइफ क्योंकि तिशु भाई और इरफान भाई बहुत अच्छे दोस्त थे और हम लोगों का रोज का उठना बैठना था बिकॉज मैं बीइंग एन असिस्टेंट हर दूसरे दिन घर पे होता था सो आई थिंक अवर्ड फॉर मी एंड इरफान भाई uh, क्योंकि पैकअप के बाद घर पर ही बैठना होता था साथ में तेजू भाई के यहाँ पे तो आपका काम होता था कि आप अपना ग्लास हाथ में थामे बैठे और सुने कि क्या बातें चल रही फ्रैंकली मैं उस मामले में किस्मत वाला रहा कि घर में पार्टी हो रही है तो संजय मिश्रा और कभी कभार सौरभ शुक्ला इरफान खान मतलब ये जेंट्री है पीयूष मिश्रा भी साथ में बैठे हुए हैं सब गटकाते थे और आप बैठे वो वहाँ पे सिर्फ सुन रहे हैं यार पचास परसेंट भी रिटेन करोगे ना तो बहुत इन्फॉर्मेशन होती है साल भर के लिए तो एक्टिंग में कौन क्या टेक्निक यूज़ करता है कहीं पे मैं फंसा तो मैंने जो है किस तरीके से निकाला अपने आप को तो वो सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन के मेरे ख्याल से मैं पाँच साल असिस्टेंट था और पाँच साल के बाद जो है मतलब मेरे पास इतना माल तैयार था कि मुझे किसी किताब को रेफर करने की जरूरत नहीं थी मैं अख्तरों को ही रेफर कर लेता था, था सीधा दैट वाज अ वेरी फ्रूटफुल टाइम मुझे याद है रमन त्रिका इतने बड़े सेंसेशन थे उस टाइम बाप मुझे याद है मेरा मैं एक रेडियो स्टेशन में काम करता टाइम्स एफ वो आए थे सारे गया, गया। उस समय ये सारे के सारे नॉट जस्ट हिम एवरी बडी वॉज अ पार्ट ऑफ दैट शो मुझे ऐसा लगता है कि अ, वो कहीं पे भी निकल जाए दिल्ली-विल्ली में तो मतलब ट्रैफिक रोक दें कि मतलब प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी ना निकल पाए अगर वो सड़क पे निकल जाए तो दे डिड हैव मैसिव फॉलोइंग एट दैट टाइम माय गॉड मुझे याद है जैसे स्टार यार इज अ बॉलीवुड स्टार उसको एप्रिसिएशन दे 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 ह्यूज दे ह्यूज एक्चुअली आप दोस्त बने थे उनके साथ अच्छी तरह नहीं रमन से मेरी मुलाकात एक ही बार हुई थी गाये बगाए किसी पार्टी में हुई थी शायद ऋतुराज के साथ यस आई डिड स्पेंड सम टाइम विद हिम लेटर फिरदौस के साथ तो काम करने के बाद फिर अस्तित्व में हम लोग साथ में काम कर रहे थे तो फिरदौस वाज वेरी डियर फ्रेंड है वो अभी आई हैव नो आइडिया अस्तित्व के बाद से मैं मिला नहीं हूँ फिरदौस को सो so, अस्तित्व खत्म हुआ था 2000 एंड आई थिंक 13th जन 2006 को खत्म हुआ था एंड आई हैवंट मेट हर सिंस 2005 एक्चुअली इट्स बीन 19 इयर्स यार आप जब बात कर रहे हो मेरे फ्लैशबैक चल रहे दिमाग में यार इमेजिन यू ऑल यू स्टब अ क्रश ऑन फिरदौस बहुत सो so, फिरदौस uh, <laughs> मैं क्योंकि आ, असिस्टेंट था और आ, हम लोगों का जो एडिटिंग स्टूडियो था वो बैंड्रा में था और उस समय ट्रैफिक वगैरह भी इतना होता नहीं था तो मेरे पास एक बजाज चेतक था उसका नंबर था एच आई एस फाइव सेवेंटी वो लेकर मैं बिल्कुल लीलावती हॉस्पिटल लीलावती हॉस्पिटल ऐसे है ना जरा थोड़ा एंगुलर है तो यहाँ की जो कोने वाली बिल्डिंग थी ग्राउंड फ्लोर पे सृष्टि स्टूडियोज़ करके था वहाँ पे वो एडिट होता था और नया नाम का शो जो मेरे ब्रदर लॉर सिस्टर जिसको जिसके प्रोड्यूसर्स थे और उसी के चलते मुझे ये बनेगी अपनी बात में जो है काम मिल गया था और उसके बाद का भी जो हमारे जो शोज़ जो बने एडिटिंग वहीं होती थी तो आई यूज टू गो फॉर अ रन टू दिस अपना जॉगर्स पार्क तो एक दिन फिर टकर वहां पे तो so, ऐसी हम लोग बातें बातें कर रहे थे मैंने कहा यार मैं कल आऊंगा कुछ कम स्लाइटली अर्ली पांच सवा पांच कैन यू बीट इट दैट गर्ल नॉट कम टू जॉगर्स पार्क एट फाइव और ये मैंने एक दिन देखा कि अगर वो पांच बजे आ जाए वहां पर तो उसको अंदर नहीं घुसने देते थे पहले तो बाहरी लोग पकड़ के बोलती मैं इसलिए नहीं आती हूँ शी यूज टू कम टू जॉगर्स पार्क आफ्टर सनसेट जहां पर कि वो आए टोपी पहन के आती थी चक्कर काटते थे अंदर सारे के सारे सी इट वॉज फाइन वेन वंस शी वॉज इन लेकिन अंदर पहुंचना उस समय तक भी मतलब बाप रे बाप बाज ह्यूज पर मुझे तो ऐसे लगता था यार इन लोगों के साथ दोस्ती भी है यही बहुत है दिल्ली वापस चलो हो गया काम अपना दे वर बिग दे वर दे वर वेरी बिग कोशिश एक आशा yeah. आपने एक मेंटली चैलेंज इंसान का किरदार निभाया है hmm. और आज तक लोग कहते हैं whether you accepted or not it's different but कि वो एक मास्टर क्लास था ऑन हाउ टू प्ले अ मेंटली चैलेंज्ड पर्सन Okay. उसकी मेमोरीज बताओ ना कि कैसे आपने वो किरदार को शेप किया बिहाइंड था <coughs> मैं जो कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा अगर परसों उसकी शूटिंग शुरू होनी है तो आज मुझे बुलाया गया है कि एक कैरेक्टर है आप करना चाहेंगे और आके डायरेक्टर से मिल लीजिए और मैं पहुँचाऊँ और अनुराग बासु से मेरी पहली मीटिंग हुई है और हम दोनों ने एक दूसरे को गलत गलत रेफरेंसेस दिए कि कैरेक्टर कैसा होना चाहिए और परसों लोग सेट पे <coughs> पहले दिन आ, मैं दिन भर इंतजार किया मेरा कोई शॉट नहीं हुआ आई हैड नो आइडिया कि इस कैरेक्टर के साथ करना क्या है अभी मैं सेट पे पहुंचा हूं और अब सेट पे पहुंचने के बाद मुझे सोचना तो पड़ेगा करना क्या है ले तो लिया तुमने उन्होंने तो ऑडिशन भी नहीं मांगा एंड देन आई वाज कि दे हैड ऑडिशन हाफ द पीपल माय एज आधो को वो नहीं करना था कैरेक्टर बिकॉज मेंटली चैलेंज कैरेक्टर है तो स्पेशल कैरेक्टर जो है ना वो हमारी इमेज ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी अपने पास तो काम नहीं था <laughs> तो जब काम नहीं था तो फिर ले लो काम बट <clears throat> उसका सबसे बड़ा दूसरा कारण ये था कि uh, पहले तो मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि अरे ये मेंटली चैलेंज कैरेक्टर करूँगा तो आगे चल के पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा आई वॉज नॉट बॉर्ड अबाउट दैट एट ऑल कोई बैगेज नहीं, <coughs> नहीं। बैगेज कोई नहीं चैलेंज जो सबसे बड़ा था जो मेरे दिमाग में खुद से एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर तुमने नहीं किया अगर तुम भाग गए ना तो बाकी किसी और को पता हो ना पता हो तुम्हें हमेशा ये बात याद रहेगी और ये हमेशा सालती रहेगी बात कि तुम भाग गए सो वेदर यू डू इट रॉन्ग यहाँ पे आके तुम्हारा कैरेक्टर खत्म हो जाए मतलब करियर खत्म हो जाए वो चलेगा बट एक आई है ना अपॉर्चुनिटी चैलेंज ही फेंका है ना मतलब लाइफ में तुम्हारी तरफ और ये सच्चाई है अपने साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट सच्चाई है हाँ तो फिर क्यों आए थे कि तुम बम्बई एक्टिंग करने आओ और उसके बाद बोला नहीं यार मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं था तो इसको आज मैं हाथ नहीं लगाऊंगा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता था यार अगर रायता फैल जाता तो फिर तो मतलब कौन ही जानता है बट दैट वॉज द रीजन आई आई पिक अप द शो मेरा उस शो को करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मुझे भगौड़ा नहीं कहला ना था एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अप द चैलेंज एंड द फैक्ट दैट हाफ द पीपल डेंट वॉन्ट टू डू दैट कैरेक्टर बिकॉज इट वॉज मेंटली चैलेंज वो मेरे लिए और ज़्यादा इंटाइसिंग था कि अच्छा फिर तो और अच्छा है यार मतलब कि स्टैंड आउट तो करेगा ही करेगा अगर ढंग से कर दिया तो किन किन लोगों ने <coughs> रोल रिफ्यूज़ किया जस्ट फॉर नॉलेज आपने थोड़ा तो थीसिस किया होगा कि यार इसने किया इसने क्यों किया होगा बहुत सारे रिजेक्ट हुए थे और बहुत सारों ने मना किया था आ, नाम छोड़ो बट नाम मुझे थोड़े बहुत के तो पता ही है <laughs> तो उन्होंने जो रिफ्यूज किया उन्होंने ये कि <coughs> उनको उन्हों लगा कि यार ये शायद रोल मेरे लिए हानिकारक हो सकता है फ्यूचर में yeah. क्योंकि उस जमाने <coughs> में स्पेशली स्टैप लग जाता <coughs> ये ऐसा है ये, ये बॉय स्टोर है ये है वो है आज के जमाने में कोई पोजिशन नहीं होती हर इंसान कोई भी कैरेक्टर बट मुझे मेरा बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक था हाँ। अब पगलैट का स्टैम्प थोड़ी लग, ले, लग लेगा तुम्हारे ऊपर भाई अगर तुमने एक्टिंग की है कि चलो ये बॉय नेक्स्ट डोर है इसको ऐसे ही रोल मिलने चाहिए For Christ's sake, ये नहीं होता है लाइफ में कि तुमने जो है एक अगर स्पेशल कैरेक्टर अगर किया हैटली चैलेंज एक इंसान का अगर कैरेक्टर किया है तो तुम्हें ज़िंदगी भर वही रोल थोड़ी ना मिलते रहेंगे इस पर तो टाइप कास्टिंग का कोई मतलब स्कोप ही नहीं है ना अगर तुमने परफॉर्मेंस अच्छी की तो सबके से सब बोलेंगे अच्छा था अगर नहीं हुई तो फिर सब बोलेंगे बुरा था बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रेगुलर सिचुएशन और अ रेगुलर कैरेक्टर आप विलन बन गए तो आपको लोगों ने विलन बना दिया समझ में आता है अब हीरो बने आप बॉय या बॉय नेक्स्ट डोर या फिर एक्शन हीरो बने और आपको वैसे रोल मिलने समझ में अगर तुमने पागल की एक्टिंग की है

बोलने का तरीका यू नो दे वॉज अ सर्टन स्टिफनेस डेट ही ऑलवेज हैव सो वो चीज़ें वॉक को डिज़ाइन करना ये सारा का सारा काम मैंने um, पहले दिन जो शूटिंग नहीं हुई नौ से छ में छः बजे मुझे बोला गया था कि आज नहीं हो पाएगा तो उस आठ घंटे में बैठ के पहले तो मैं सोया इतमान से फिर मैं उठा फिर ले कुछ कर भी लेना चाहिए तो फिर मैंने कॉटन बॉल्स मंगा के अपने अंदर भरे चेहरा थोड़ा पुल किया सो आई कॉटन लाइक तो वो फिर वॉक किस तरीके से होगी फिर वो स्टिफनेस लेकर आया तो गर्दन एक तरफ जो है थोड़ा फॉल करने लगी हल्की सी तो ये सारी की सारी चीज़ें मेंटेन करने के बाद मुझे लगा अब सीन पढ़ के फिजिकलिटी तैयार हो गई ना अब मेंटल uh, स्टेट जो है उसके बारे में बाद में सोचेंगे दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई वेंट अबाउट डूइंग दैट कैरेक्टर अरे यार कैसा आप लोगों को लगता है ना कि यार वरुण ने मास्टर क्लास जैसे मैं जब हम लोग गूगल करते हैं ये सब चीजें लिखी हैं आपके बारे मास्टर क्लास और हाउ टू प्ले अ मेंटली चैलेंज्ड पर्सन और पता चला कि आपने लिटरली लाइफ के एक्सपीरियंसेस को उठा के रोल में डाला लाइक बट See, the of that was very एक दोस्त है रामपाल साथ में रहता था मेरे तो आ, उसने जो है ये नोटिस किया कि मैं सुबह जब उठता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन बार बार वैसे ही जाते रहता है And, uh, Sunday, I, आई वॉज टोकिंग एज मच एज आई वुड इवन अमंग फ्रेंड्स नाउ तो उसने ना बड़े प्यार से आकर एक बार सुबह मैं उठा मैं दरवाजे की तरफ गया फिर मैं खिड़की पे जा कर खड़ा हुआ फिर मैं कमरे के बीच में आके खड़ा हुआ वो आया उसने बोला सुन कैरेक्टर ना सेट पे छोड़ के किया प्रॉब्लम हो गया तो फिज़िकली डैट वॉज चैलेंजिंग क्योंकि उसके लिए कभी कभार आवाज़ें जो है वो अलग अलग तरह की मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा ऐसा लगता था कि वोकल तो कॉर्ड्स को मतलब फाड़ रहे हो अपने क्योंकि एक तो मैंने ऑब्वियसली अपनी आवाज़ बनाई थी तो उसके चक्कर में और कुछ नया करने का वही होता ना कि अच्छा यार आज वो करते हैं जो कि आज तक कभी किसी ने किया ना हो ऐसा कुछ नहीं होता जो किसी ने नहीं किया होता हाँ तुमने नहीं किया होता लेकिन वही जज्बा जुनून जिसने जितने शब्द बोले थे तुमने शुरुआत में तो मतलब वोकल कॉर्ड्स पे स्ट्रेस पड़ रहा है फिर बहुत बार उसमें ऐसा होता था कि आप मतलब उसको फिट्स पड़ रहे दैट फिजिकली उसका एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल था लेकिन उसकी प्रिपरेशन जो थी वो उतनी थी जितनी थी अस्तित्व एक प्रेम कहानी निकी अरेजा ओल्डर वुमन फॉल्स इन लवर मैन उस टाइम प्रोजेक्ट ऐसे हुआ करती थी जो ठीक हैल्ड वगैरह वगैरह बट दिसम्स अगेन ओल्डर वुमन फॉलोइंग लवर मैन उसके एरेक्टोर्ड बताओ ना सो so, uh, एक तो क्रेडिट उस चीज का अजय सिन्हा जी को जाता है अजय सिन्हा ने पूरे समय में ऐसे ही शोज़ बनाए जो कि एक तो लीग से हटके थे और जो इवन एक्टर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हुआ करते थे हसरतें उन्होंने बनाया जस्तुजू उन्होंने बनाया एंड रिलेशनशिप बेस्ड शोज़ होते थे और मेरे हिसाब से तो प्रॉबली टेलीविजन में ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट मेकर्स उससे पहला जो मेरा शो था वो ख़त्म होने पे आया था और वीकलीज़ का अब दौर ख़त्म हो ही रहा था तो पहले मुझे लगता था कि यार मैं डेली सोप नहीं करूँगा कौन इस तरीके से सला रोज़ रोज काम करेगा एंड वक्त रहते जो है मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर वीकली नहीं करोगे तो फिर ट्रेन और ट्रेन से वापस दिल्ली क्योंकि और कुछ बनने नहीं वाला मैंने बहुत सारे शोज बना किए थे ऑलरेडी क्योंकि वो डेली सोप्स थे एंड मैं इंतज़ार में था कि अच्छा कोई तो वीकली आएगा काम था लेकिन अब एक दिन पता चला कि अच्छा आ, कोशिश एक आशा फाइनली बंद हो रहा है तो फाइन बंद हो रहा है तो ठीक है एक शो ऑलरेडी था मेरे पास तो उसकी शूटिंग चल रही थी अच्छा लकीली फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसे भी मानो मैंने लाइफ में कभी भी एक शो से ज्यादा शूट किया नहीं है एक बार ही Uh, मुझे करना ही नहीं था कि आज इसकी शूट पे जा रहा हूँ कल उसकी शूट पे जा रहा हूँ आईव हैड फ्रेंड्स हु हैव शॉट जब वीकली चल रहे होते थे तो उस समय भी मतलब दे वुड शूट मल्टीपल शोज एक हमारे मित्र ऐसे हैं जो कि उन्होंने बाकायदा नाम गिनाए थे ग्यारह शोज कर रहा था उस समय में यहाँ पर दो दिन दिए हैं इधर दो दिन दिए हैं इधर आठ <laughs> वो रोल खत्म होने के बाद बताऊंगा अच्छा So, मतलब वीकलीज uh, में तीन तीन चार चार शोज तो यूं ही कर रहे होते थे लोग मेरे पास एक शो था जब मैं कोशिश कर रहा था उसके बाद देश आया uh, कोशिश के जस्ट अबाउट ख़त्म होते होते पे <coughs> ख़त्म होने के बाद आया इनफैक्ट और uh, क्योंकि उसमें टाइम मेरे पास काफ़ी बच जाता था तो आई थॉट कि अच्छा एक शो उठाया जा सकता बिकॉज बीच में मैंने देश छोड़ा भी था तो जब छोड़ा था तो उस समय ये वाला शो मेरे पास आया ना आई थोट की आर बाय नॉट ले लेते हैं और वीकली नहीं है अब डेली है अमित मिस्त्री और एक दूसरी उनका मोहतरमा का नाम मुझे याद नहीं उनके साथ पायलट ऑलरेडी शूट हो चुका था बट जी टी अब इसको पूरा रिवाम करना चाहता था सो दे वॉन्टेड अ कंप्लीटली न्यू कास्ट तो मेरे ख्याल से जी वालों ने ही जो है रेकमेंड किया होगा कि यार इसको ले लो हमारे साथ ऑलरेडी काम तो कर ही रहा है क्योंकि कोशिश जस्ट अबाउट खत्म हुआ ही हुआ था सो so, वो रोल आ, मिल गया एंड फ्रैंकली जब उन्होंने ये बोला कि चौंतीस साल की एक लड़की है और महिला है राधा जो कि एक चौबीस साल के लड़के से शादी कर ली थी मैंने कहा शो तो कर रहा हूँ क्योंकि अगेन यू नो एक जो चीज़ हमेशा से शुरुआत से ही आप कोई भी एक एक्टर बना के रखता ना कि यार शोज करो वैसे पिक करो जो कि कोई और पिक ना करने को तैयार हो अस्तित्व में तो उन्होंने शायद किसी और से पूछा नहीं था क्योंकि हाँ अस्तित्व में किसी और से उन्होंने नहीं पूछा था कोशिश लेकिन कोई करने को तैयार नहीं था या आधे लोग जो है वो, वो, वो स्क्रीन टेस्ट पास नहीं कर पाए थे लेकिन कुल मिलाकर शो तो ऐसा ही था ना जो कि मतलब रन ऑफ द मिल शो नहीं था एज वी सेट कि मतलब अपने समय उससे बहुत आगे का शो था आई so थॉट कि यार ये सिक्का बिल्कुल सही जगह पर जाके गिरा है तो so कुछ भी करके ना बोलना तो मतलब बनता ही नहीं है इसके ऊपर एंड हाउ आई वी स्टार्टेड। उसके बाद uh, शुरुआत में आई सेट कि यार ओके सो इफ दिस बॉय इज ट्वेंटी फोर डेढ़ महीने का वक्त था मेरे पास तो उसकी इनिशियल आप फुटेज अगर देखें तो उसमें ये लौंडा बिल्कुल 24 साल का कौला लगता है बिकॉज आई लॉस्ट ऑल फ्लाव दर आई हैड गेंड ये स्पेसिफिकली शो के लिए आपने किया कि इनिशियल जो है उसमें तो मतलब लगना चाहिए कि लड़का जो है वो 24 साल का है आप कितने साल के थे रियल लाइफ में उस I was 28 at that time. तो माने चार साल आपको यंगर दिखना था बस चार साल यंगर दिखना था एक तो मुझे लगता है जीन्स ने थोड़ा हेल्प किया पहाड़ी uh, जीन्स है मतलब आई लूज एज वेरी फास्ट इफ आई डिसाइड टू मेंटेन माई सेल्फ बट मुझे नहीं समझ आता मेंटेनेंस क्या है इफ़ यू आर ऑफ़ अ एज देन यू मस्ट लुक योर एज टू इफ रिक्वायर्ड बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं डेढ़ महीने के अंदर अच्छा बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी उस पर वेट लूज करना फिट होना तो एक चीज है डिसाइड ऑन द हेयर स्टाइल दैट कीप तो उस समय नए नए लड़के स्पाइक करवा के घूमते थे तो मैंने कहा ये सही है फोटोग्राफर है तो स्पाइक करवा के घूमेगा सब कुछ तो उसमें भी वही कि कैरेक्टर के ऊपर जो है ना मेरा कैरेक्टर ये होगा सोचता इस तरीके से होगा चलता ऐसे होगा ये वो बाकी स्क्रिप्ट क्योंकि आपके हाथ में नहीं है नाउ गो सीन बाय सीन सो मेरा अभी भी जो है ना वो मुझे लगता है कि अगर आपने एक खाका सही बना दिया ना तो उसके हिसाब से फिर आप जो है थोड़ा इम्प्रोवाइज करते कराते टेलीविजन में तो एटलीस्ट आप यू कैन वर्क इट आउट सीन हर सीन के ऊपर बैठ के काम करना टेलीविजन डज नॉट गिव यू दैट लग्जरी सो दैट्स हाउ दैट शो आप और निकी अनेजा अच्छे दोस्त बने उस टाइम पर मतलब वी वर बहुत रोज का मिलना जुलना होता ही था शूटिंग के दौरान अब इतने एक्साइटेड क्यों नहीं साउंड कर रहे निकी अनिजा के नाम से <laughs> मतलब फ्रेंड्स क्या करूं अभी तो सकता <laughs> नहीं हेलो मेरे दोस्तों मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है अंगार यानी कि फायर पावर फ्रॉम किडीज स्वेट शर्ट्स जंपसूट्स बैग्स मग्स सब अवेलेबल है एट अंगार डॉट स्टोर लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी सो चेक आउट द मर्चेंडाइज परचेस इट प्राइस बहुत रीजनेबल है एंड द क्लोथ आर वेरी इजी एंड कंफर्टेबल टू वेयर अंगार मचाओ कौन सा वो शो था जिसने एक्चुअली आपको फेम फेम दे दिया जो आपको लगा कि यार वरुण अब तो आ गया है ट वॉजाउटेडली देश में निकला होगा चांद प्रोबली वॉज द फर्स्ट शो आउट ऑफ द बालाजी स्टेबल विथ टॉपल्ड क्यू की सास भी कभी बहुत ही फ्रॉम द नंबर वन स्पॉट वो शो मैंने बीच में छोड़ा था जिस एपिसोड में मैंने छोड़ा था वही एपिसोड उसका नंबर वन बना था और उसके बाद फिर मैंने दोबारा शो ज्वाइन किया वो इट वॉज अ मैसिव मैसिव हिट ह्यूज हिट सो मच सो दैट मतलब आज तक मुझे लोग मिलते हैं कि उनको बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज में जो है ना रेफरेंस दिया जाता था कि केमिस्ट्री जो है वो हम लोगों को ऐसी चाहिए जैसी आपकी और संगीता घोष की तो uh, वो रेफरेंस पॉइंट था कईयों के लिए वॉट रियल उसमें हम लोग लंडन में फर्स्ट सीन साथ में कर रहे थे पहला सीन हम लोगों का साथ में और वो लंडन में था तो मैंने उसको कुछ एक था कि मैं उसको पिन करता हूँ दीवार पे या कुछ मैंने कहा तो वर्कआउट करना बोलते वर्कआउट क्या करना चल करते हैं सीन

Uh, लेकिन मेरे ख्याल से उस केमिस्ट्री का जो मेन क्रेडिट है ना वो संगीता को जाता है क्योंकि अगर वो थोड़ा भी उसने हल्का सा हिच दिखाया होता या वो उतनी कंफर्टेबल नहीं होती या उतनी खुली भी नहीं होती तो वो पॉसिबल था नहीं एंड सी दे एनी केसेज इन्वॉल्व इन दैट शो Uh, सिर्फ आंखों में आंखें डाल के आप देख रहे हैं एक दूसरे को हक चल रहे हैं आप बहुत करीब आ गए उत्सव में उतने में भी बट हर द वे यू नो उसने पहले दिन जो एक सेट uh, किया था बेंच मार्ग कि uh, आओ शूटिंग करो यार मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है तो वो एक अगर कोई आइस ब्रेकर चाहिए था तो वो उतना ही चाहिए था उसके बाद तो हम लोगों को मतलब इनफैक्ट आई रिमेंबर स्टार ने एक बार हम लोगों को ये बोला था पहले तो कि यार केमिस्ट्री जो है ना वो सिजलिंग होनी चाहिए एंड देन दे सेड कि यार थोड़ा कट डाउन करो नौ बजे का शो है उन्होंने बोला तो एब्सोल्युटली उन्होंने ये बोला था कि थोड़ा कट डाउन करो नौ बजे का शो है तो हमारे जब शूट कर रहे होते थे ना तो मतलब डायरेक्टर एकदम बोलता है बोलता मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कट कर दूँ क्या करूँ यार तुम लोग कहीं मतलब आगे बढ़ जाओ बट हैट्स ऑफ टू संगीता वो हर मतलब किसी और के साथ मुझे नहीं पता हो पाता नहीं हो पाता क्योंकि वैसा शो मैंने उसके बाद लाइफ में दोबारा कभी किया भी नहीं लेकिन उसका क्रेडिट पूरी तरीके से संगीता को जाता है टेलीविजन में होता था कि जो राम का किरदार निभाते थे टीवी पर लोग उनको भगवान राम मानते थे पर्सन क्योंकि संगीता और आपका केमिस्ट्री ऐसा था क्या लोग आपको कपल समझते थे <laughs> huh? so, uh, मेरी शादी हो चुकी थी और उसके बाद मैं एक अरे नहीं सॉरी अस्तित्व की शूट के लिए लंदन गए हम लोग और उन्होंने वहां पे एक मीट एंड ग्रीट टाइप का कुछ रखा था कोई कंपटीशन था इनके जवाब दीजिए तो एक्टर आपके घर आएंगे वो जो होता है वहाँ okay. और uh, पहले जिस घर पे हम लोग गए एक तो उन्होंने खाने का सामान यहाँ से लेके वहाँ तक रखा था हम छः सात लोग गए थे तो आंटी जी जिनका घर था उन्होंने बाद में मुझे बोला आप जरा अंदर आइए उससे कुछ दो तीन महीने पहले मैं वहाँ पे गया था एक किसी इवेंट के लिए जहाँ पे कि मैं और संगू साथ में थे अच्छा संगू बोलते हैं प्यार से हाँ हाँ, हाँ, हाँ स्वीट तो आ, उन्होंने जो है संगीता का एक फोटोग्राफ 8 बाय 10 का बनवा के रखा होता था एंड शी वाज लुकिंग स्टनिंग इन दैट फोटोग्राफ कि ये मैंने देखा मैंने कहा हाउ ब्यूटीफुल ग्रेट लीजिए बोलते नहीं आपके लिए बनवाया है तो मेरे लिए क्यों बनवाया है अब उनके चेहरे पे लिखा है हो ही तो थी टिकी नहीं ना समझा <laughs> और मैं यूं देख रहा हूं कि तुम्हें लगता है वाकई <laughs> लकीली उस समय तक फोन जो है ऐसे आ गए थे जिन पे की फोटो हुआ करता था आई एम टॉकिंग अबाउट वू थाउजेंड एंड फाइव प्रिसाइसली तो मैंने बोला ए, ए ए एक सेकेंड पत्नी मेरी ये है तेरे हमें तो लगा मैंने कहा नहीं 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 उस शादी के पैसे मिले थे वो उतने पैसे मिले थे मतलब मैंने कहा भाई शूटिंग की शादी थी असली की नहीं थी बोलते तो हम तो आज तक यही मानते आ रहे थे कि आप दोनों जो है हस्बैंड वाइफ मैंने कहा नहीं नहीं है हस्बैंड एंड वाइफ तो आ, ये तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि यार इट इज़ सरप्राइजिंग कि तू और संगीता मतलब हाउ डिड यू नेवर हैड एन अफेयर द टू ऑफ यू एंड फगेट अबाउट दैट कि तुम लोगों ने मैं मतलब कभी नहीं सोचा शादी कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उसके बाद ऐसे थे जिन्होंने कि मतलब साथ में काम किया एंड दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड एंड मैं संगू बहुत अच्छे दोस्त हैं आज भी uh, हम लोग तब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड या सो दिस इज द परसेप्शन दैट प्रोबली आर परफॉर्मेंस इज क्रिएटेड बट पर राज जो आपकी बहतरमा है राजेश्वरी वो कभी नहीं होगी ये केमिस्ट्री देखकर नहीं 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 वो उसको उसके दोस्तों के साथ तुम देखो तो मुझसे पूछोगे तुम इनसिक्योर क्यों नहीं होते उसको देख के हम लोगों ने ये एक चीज आ, हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप में है ही नहीं कि वो पार्टी में किसी और के साथ अगर नाच रही है तो वो ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था नथिंग इज मोर वल्गर देन अ वुमन फ्लोटिंग विद अनदर मैन इन फ्रंट ऑफ हजबेंड वो सारे रूल जो है हमारे यहाँ पे आके टूट जाते हैं पूरी तरीके से तो uh, मेरे और राज के बीच में मतलब हम लोगों की रिलेशनशिप इस चीज़ पे बेस्ड ही नहीं थी कि वो अरे उस लड़की की तरफ तुमने देखा कैसे एंड ऑल दैट कभी भी कुछ नहीं सो अभी सच बताओ हाँ एक परसेंट प्यार हुआ था कि नहीं संगीता के साथ उस टाइम पे कि नहीं।, नहीं हुआ था अगर हुआ होता तो आई हैड एवरी ऑपरचुनिटी टू यू नो टेक इट फॉरवर्ड और uh, क्योंकि यार सब कुछ तो हमारे फेवर में ही था ना मतलब वी वी रोमांटिक कपल ऑफ इंडियन टेलीविजन बट uh, और हम लोग ऐसा नहीं है पार्टी वार्टी करते थे साथ में जितनी बार मिलना जुलना होता था सब साथ में घूम रहे फिर रहे सब कुछ हो रहा है बट वी ग्रेट फ्रेंड्स एंड वी जस्ट फ्रेंड्स एंड नथिंग एल्स ये चीज मैं आज भी बोलूँगा उसके बारे में बिकॉज आई स्टिल गिव हर ऑलमोस्ट ऑल द क्रेडिट फॉर द केमिस्ट्री दैट द टू ऑफ अस दैट बहुत अच्छा होता है बिना पॉसिबल नहीं था दूसरे यू नो वन एक्टर एक्टर को ऐसा क्रेडिट देना बड़ी बात होती है आज के ज़माने में लोग एक दूसरे को क्रेडिट नहीं देते आप बिंदास बोल रहे हो निकी के साथ ऐसा केमिस्ट्री नहीं था कि जहाँ पे लोग सोच रहे थे निक्की के साथ भी प्रॉब्ली uh, नॉट वो शायद इसलिए क्योंकि अच्छा ये हिंदुस्तान में एक बड़ा वो है ना कि चौंतीस साल की औरत है चौबीस साल का लड़का है फिर तो एक्टिंग ही कर रहे होंगे हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों ने आके जो है ना ये बताया कि सर आपकी कहानी जो है ना वो मेरी रियल लाइफ की कहानी है माइंड यू लंडन में ऑन द सेम ट्रिप उसी दिन पे जिस दिन ये फोटोग्राफ मुझे प्रेजेंट हुआ था द थर्ड फैमिली दैट वी वेंट टू मीट उन आंटी ने तो देख के जो रोना शुरू किया है वो उनका रोना हमारे जाने तक ख़त्म नहीं हुआ वो एक छोटे से घर में थी अपने हस्बैंड को उस दिन स्पेशली एक दिन के लिए वो ओल्ड एज होम से लेकर आई थी ही वॉज ऑन अ व्हील चेयर Uh, क्या सिमिलरिटी कितनी बेटी का नाम सिमरन पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट अपने से दस साल छोटे लड़के के साथ उसने शादी की थी जो शादी टिकी नहीं सिर्फ एक चीज़ जो अलग थी वो ये कि उन उस लड़के का नाम जिससे उसने शादी की थी उसका नाम अभिमन्यु नहीं था दैट वॉज दी ओनली डिफरेंस अदरवाइज मतलब हम लोग वहाँ पे बैठे हुए हमारे होश वाकता हो गए कि यार इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है कि एक औरत उसका नाम भी सिमरन वो भी गायनोकोलॉजिस्ट उसने दस साल छोटे लड़के के साथ शादी की मतलब होश वाकता हो गए थे हम लोगों के लेकिन चूंकि वो दस साल के एज गैप के ऊपर शो था तो शायद लोगों ने मान लिया कि नहीं नहीं इनकी शादी तो नहीं ही हुई होगी चांस नहीं है उस चीज़ का क्या आपका बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग था निकी के साथ जितना संगीता के साथ क्योंकि आप जब बोलते हो संगीता का नाम यू नो वो तो मेरी दोस्त है आज तक टच में वो बॉन्ड निकी के साथ उतना नहीं स्ट्राइक हुआ नहीं बात बॉन्ड की नहीं है वी वर जस्ट टू वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज संगू एंड माई सेल्फ आर आल्सो वेरी वेरी वी वी वो पोल्स अ पार्ट बट फ्रेंकली मैं एक बार अभी उसकी रिहर्सल चल रही थी मैं संगू को मिलने के लिए गया उसको भी मैं आ, 2005 के बाद मिला हूँ अभी दो साल पहले अगर लॉकडाउन के जस्ट बाद की अगर आप बात कर लो 22 में भी तो ऐसा नहीं कि उससे मैं बहुत रेगुलर मिला है या कुछ है बट हाँ निकी बिटवीन द टू ऑफ देम आई थिंक आई हैव अ मच क्लोजर बॉन्ड विद संगीता पर बट क्या निकी और आपका कोल्ड वाइब्स था नहीं कोल्ड वाइब्स नहीं था कोल्ड वाइव नहीं था बिकॉज uh, वहाँ तक बात पहुँचने की और तो, फ्रैंकली मुझे वो नहीं समझ में आता कि किस आप क्यों मतलब uh, अपने को एक्टर के साथ उस एक ईगो uh, वॉर में घुसेंगे uh, तो हम लोग जो है मतलब लास्ट तक जब तक शो चल रहा था लास्ट डे ऑफ द शूट लास्ट सीन मेरा निक्की का था मैं शैम्पिन की बॉटल लेकर गया था बाकायदा जो कि हम लोगों ने खोली वहाँ पर हम सब ने शैम्पिन पी बाकायदा और बिकॉज़ आई पर्सनली थॉट दैट इट वाज वन ऑफ द बेटर शोज़ दैट आई हैड डन टिल देन फॉर श्योर तो uh, वैसा था अभी भी इनफैक्ट मैं लास्ट ईयर लंदन गया था तो आई स्पोक टू हर एंड ये से वो अच्छी है मतलब फोन पे तो ठीक ही साउंड कर रही थी क्योंकि <laughs> <उस चुकि> यार <laughs> उन पे भी दिल आया था मेरा यार अच्छा तो बट या सो और अभी भी इनफैक्ट कभी कभार अजय जी के यहाँ पे जाओ तो वे आई थिंक शी कम्स टू मुंबई शी स्टेज विथ हिम तो मुलाकात होती रहती है वैसी प्रॉब्लम ये तो थे जो शोज मैंने नोटिस किए पर आपकी टीवी लॉजी इतनी बड़ी है अगर मैं बोलूँ वो तीन प्रोजेक्ट्स बिसाइज स्पोकन अबाउट जो आप कहते हो यू नो सिद्धार्थ मुझे गर्व होता है कि मैंने ये किया वो क्या था Uh, एक चाबी है पड़ोस में विच आई वॉज राइटिंग इनिशियली टेलीविजन में तीन तो नहीं uh, हालांकि शो uh, फिर सुबह होगी भी ठीक ठाक हालांकि चला ग्यारह महीने ही था दैट वाज टू मच ऑफ हार्ड वर्क बहुत अच्छा शो बन सकता था नहीं बना Uh, क्या हो गया शो क्या गड़बड़ी हो गई उस शो से क्या था वो, क्या प्रॉब्लम था उस शो के साथ uh, so frankly, uh, हुआ ये था कि उनको दिखाना ऐसा था कि अच्छा एक ठाकुर है जिसको एक बेड़नी से प्यार हो जाता है एंड uh, उसके बाद एक इस ठाकुर का जो है एक भतीजा भी है जिससे उसकी फाइनली शादी होती है प्लान तो उन्होंने किया था कि अल्टीमेटली निकलता यह है कि भाई ये ठाकुर जो है वो बेसिकली विलन था सब कुछ आई एल बी वेरी ऑनेस्ट आई एल टेल यू कि हुआ क्या जब उन्होंने स्टोरी सुनाई मैंने कहा यह स्टोरी इस तरह से शुरू होती है कि ठाकुर uh, को प्यार होता है या फिर वो प्रेटेंड करता है बोलते हैं हा, हाँ इस तरह से शुरू होता है मैंने कहा सी आई आई एम गेटिंग टू प्ले द लीड आई लाइक द बेसिक कॉन्सेप्ट इतना याद रखना फ्लिप नहीं कर पाओगे एक बार अगर तुमने स्टोरी यहाँ से शुरू कर दी बिकॉज चाहे मैं बेवकूफ़ बनाने के लिए भी ये दिखाऊं कि मैं प्यार करता हूँ लड़की से द थिंग इज़ कि उसको आपको बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा वो ऑनेस्ट लगना चाहिए उस समय तक जब तक कि आप फ्लिप नहीं करते और पता चलता है कि अरे ये तो विलन था आई वैसे एक गलती मत करना एंड आई सेड दिस कैटेगोरिकली इन दीज मैनी वर्ड्स कि ये गलती मत करना बिकॉज यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज ऑलरेडी डन समथिंग लाइक अ देश में निकला होगा चांद सो so, ये जो तुम केमिस्ट्री की बातें करते हो ये जो रोमांस की बातें करते हो ना बस मेरे लिए वो यहाँ में घर घर खेली है <laughs> ये मेरा अड्डा रहा है ये मेरा अड्डा रहा है एंड प्लस देन यू नो एन आई टोल्ड दम एट द सेम टाइम कि यार प्रॉब्लम यह होगा कि अगर तुमने दिखा दिया जेनवनली प्यार करता है आउट ऑफ द वे जाके उसके लिए चीज़ें कर रहा है ये सब कुछ वो एक ठाकुर है एक बेड़नी जो कि एक बेड़ी जाती है मतलब एम पी में मिलती हैं राजस्थान में भी वो है थोड़ी बहुत बेसिकली दे आर डांसर्स वो ठाकुर उसको बेवकूफ बनाने के लिए इतने प्रपंच क्यों करेगा यार इफ़ इफिहाज तो पार उठा कर ले आएगा ना सीधा तो अगर वो प्यार कर रहा है तो मतलब कि वो जेन्युइन ही होगा क्योंकि उसके पास उतनी पार है कि वो उसको उठाकर और अपने घर पे लेकर आ सकता है अगर विलन बनाना है तो आउटराइट बनाओ तो सेड कि नहीं वो होगा तो ऐसे ही होगा दे स्टार्टेड ऑन अ ग्रेट नोट और हम लोग टीआरपी के खेल में एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच गए थे एक चीज़ तो ये हुई कि दे स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग अ बिट टू मच आउट ऑफ द शो देखो क्या है ना कि जैसे हर फिल्म सौ करोड़ वाली नहीं होती हर फिल्म हजार करोड़ वाली नहीं होती पर इसका मतलब ये नहीं कि जो सौ करोड़ कम आ रही है वो हजार करोड़ से किसी भी तरह से कम है फिल्म कुछ एक फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी ऑडियंस ही उतनी होती फिल्में वो भी अच्छी होती हैं उस शो के साथ ये था कि उस शो की ऑडियंस जो है वो उस हम लोग तीन के आसपास की डीआरपी में थे एंड आई थॉट कि यार इसको पांच बनाने की कोशिश मत करो जितना है ना उस पर खेलो हो सकता है आगे पीछे में कहीं पे जाके सेटल कर जाएगी एंड द शो इज स्टिल डूइंग वेरी वेल नहीं यू नो वी मस्ट पुश दी अनवल वी मस्ट ट्राई स्ट्राइव हार्डर टू यू नो मेक इट बिगर

एंड फाइनली uh, वो फ्लिप करने के बाद भी बट दे कु गो बैक टू दी औरिजनल स्टोरी लाइन तो उसमें हुआ ये कि वो जो विलन बनाने की कोशिश कर रहे थे उसको वो जितना विलन बनाते थे इतना और हीरो बनता चला जाता था सो दर कैरेक्टर उज सफरिंग इमेंसली तो खैर वो फिर uh, uh, मेरे अंगने में वॉज अनदर यू नो गुड एक्सपीरियंस मल्टी कैम सेटअप पहली बार मैं कर रहा था लेकिन uh, जो तीन शोज तुमने पूछे हैं उसमें मैं दो का ही नाम ले पाऊंगा जो कि वाकई करने में मज़ा आया जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट मेरी हर तरह से थी वन वॉज़ एक चाबी है पड़ोस में विच आई थॉट वाज अ वंडरफुल शो एंड बीन फॉर द चेंज इन हेरार चैनल में जो लोग बदलते हैं वो शो और चलता और uh, then, uh, क्या दैनों ने शो जो न्यू न्यू लॉट आए थे उन्होंने पूरा गेम प्लान चेंज कर दिया एंड वो भी तब जबकि सो so हम लोगों को उठाकर आईपीएल uh, सीजन वन के आगे डाल दिया गया हम लोग नौ बजे के स्लॉट में थे हमें उठा कर साढ़े सात बजे डाला तो ये एक ऐसा शो था जिसकी कि फर्स्ट टेलीकास्ट की टीआरपी जो है अगर लेट से वन होती थी तो सेकंड टेलीकास्ट जो साढ़े दस बजे रात को आता था और एक घंटे का एपिसोड होता था ट्वाइस अ वीक उसकी टी जो है वो थ्री होती थी तो लोग मैच खत्म होने के बाद भी बैठ के सैटरडे संडे को ये एपिसोड देखते थे तो लेकिन वही होता ना कि नया शेर आता है तो सबसे पहले पुराने बच्चों को मारता है तो वो सीधा सीधा आई अंडरस्टैंड कि वो उसके चक्कर में फना हो गया शो बट इनफैक्ट uh, मुझे अभी तक uh, एक मैंने बहुत ज़्यादा तो मैं एक्टिव हूँ नहीं लेकिन इंस्टाग्राम uh, पे एक uh, मैंने स्टोरी डाली वो थोड़ा पन इंटेंडेड टाइप का था कि रावी जो है वो गाना डाला और व्यास नदी पे जो है मैंने यू करके लिया नीचे लिखा बहुत पानी है जो गाना है रावी में पानी कोई नहीं uh, सजाद अली मैसेज में फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही वाज अ ग्रेट एडमायर ऑफ एक चाबी है पड़ोस में सो आई वाज टोल्ड बाय समबडी कि उसके फैन क्लब्स थे पाकिस्तान में जो कि रेयरिटी ही थी कि मतलब किसी हिंदुस्तानी शो के मतलब इतने मेजर वहाँ पे तो मतलब वहाँ से उस समय वाकई मेल्स वगैरह आया करते थे इस शो को लेके वो बेहतरीन शो था उसके बाद विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट मेरे डैड की दुल्हन श्वेता तिवारी हाँ श्वेता तिवारी के साथ एंड फ्रेंकली दैट शो मेरे डैड की दुल्हन वॉज uh, उसमें एक बहुत मेजर कंपोनेंट है जो कि लोग इजीली uh, ओवरलुक कर जाते हैं शायद इसलिए भी क्योंकि मैं और श्वेता हम दोनों सीनियर एक्टर्स थे बट uh, उस नाम में ना मेरे डैड की दुल्हन में मैं डैड हूँ श्वेता तिवारी जो है वो दुल्हन है तो जो मेरे जो कंपोनेंट है ना अंजलि ततरारी प्लेड दैट कैरेक्टर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट शो ये मेरा पर्सनली भी मानना है एंड आई हैव नो कॉम्स अबाउट इट मेरे हिसाब से फादर डॉटर रिलेशनशिप के ऊपर उससे बेहतरीन शो आज तक टी वी पर बना नहीं है और अगर कोई बनाने की कोशिश करेगा तो ही हैव अ माउंटेन टू क्लाइम बिकॉज जो रिलेशनशिप uh, मेरा और अंजली का था उस शो में तो uh, वो अचीव करना किसी के लिए भी इतनी ईजिली पॉसिबल है नहीं मतलब डिफरेंट डिफरेंट तुम चाहो तो कर दो उसको सो अमाउंट सो पास करना विल नॉट बी वेरी इजी एंड सो मच सो दैट शो के बाद आई हैव बीन वेरी रिलकटेंट टू टेक अप वर्क ऑन टीवी फॉर अ सिंपल रीजन दैट उसका आफ्टर टेस्ट जो है वो अभी तक गया नहीं है मुँह से एंड दिस आई हैव टू गिव क्रेडिट टू टोनी एंड दियर दट उन्होंने इतने टेलीविजन में जो उतार चढ़ाव आए हैं सब कुछ उसके बाद भी उन्होंने अपने ब्रांड की स्टोरीज uh, बनाई है हमेशा बिकॉज बनेगी अपनी बात उन्होंने बनाया जस्सी जैसी कोई नहीं उन्होंने बनाया है बीच में प्यार मोहब्बत एंड ऑल दैट उनका शो था बीच में भी बहुत सारे ऐसे शोज थे उनके जो चले एंड दिस वन वेल आई वाज टोल्ड दैट स्टार वाज ऑलवेज द नंबर वन चैनल इन यूके फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे राइट की दुल्हन आने के बाद सोनी टॉपल्ड स्टार फ्रॉम दी नोन स्लॉट ते एंड आई कैन टेल यू दिस विद अ लॉट ऑफ अथॉरिटी बिकॉज द हेड ऑफ द इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग यहीं पे बैठते हैं आई हैव नोन हिम सिंस माय डेली डेज व्हेन आई वाज अ किड सो ही वॉन्ट्स सेंट मी अ मैसेज सेइंग दैट परसिवे दिस इज वॉट दिस शो हैज़ डन एंड आई कैन टेल यू दैट दिस इज नॉट अ मीन अचीवमेंट बिकॉज एवरीबडी इन दफिस इज़ गोइंग आगा कि भैया ऐसा नंबर्स के हिसाब से हम लोग uh, कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं कर रहे थे टी आर पीज के हिसाब से बट द व्यूअरशिप ऑफ द शो ऑन सोनी लिव वॉज एग्जेपलरी एंड वो अब तो पता चल जाता है ना आपको मतलब इंस्टाग्राम पर लोग अप्रोच करते हैं या इधर उधर दिस वॉज वन शो विच ब्रॉड अ लॉट ऑफ मेल व्यूअर्स बैक ऑन टू टेलीविजन बहुत सारी लड़कियाँ थी जो अपने फादर को साथ लेकर बैठती थी कि दिस इज़ द शो वी हैव टू वॉच कितनों की रिलेशनशिप जो है वो uh, सुधर गई उसकी वजह से कितने थे जो कि मतलब सिर्फ पन्ना गीला नजर नहीं आता था बट उनके मैसेज में, में पता चलता था दैट देव रिटन मैसेज यू नो रिमरिंग दादर्स एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस सो एंड वो अगेन श्वेता का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है बिकॉज ऑब्वियसली शी वॉज प्लेइंग द गर्ल जो लव इंटरेस्ट था uh, ये लड़की बच्चू बिल्कुल नहीं थी लेकिन अगेन uh, um, जो डेडिकेशन उस लड़की ने दिखाई है ना मतलब मैंने मारा ही नहीं है उसको सिर्फ सेट पे बट इन ऑर्डर टू गेट दैट रिलेशनशिप राइट शी वेंट थ्रू हेल विद मी मतलब शुरुआत से ठीक नहीं है तो नहीं दोबारा करो एंड डायरेक्टर था बट बिकॉज अंशुमन के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी एंड कि तुम तो एक काम कर बाकी सब मैं देख लूंगा द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ यू इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ये तुम ही लोगों को डेवलप करनी है आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट सो ही हैड एन आई फॉर दोज माइन्यूट लिटिल डिटेल्स सो ही गेव अस अ कम्प्लीट फ्री हैंड एंड अगेन uh, वो शो इतना बड़ा बनता नहीं अगर बच्चों ने उस तरह की परफॉर्मेंस की नहीं होती बिकॉज ही अल्टीमेटली जस्ट द फादर परफॉर्मिंग वेल एंड द गर्ल नॉट नोइंग वॉट टू डू वुड नॉट हैव रियली वर्कड सो उस शो का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है uh, अंजली ततरारी को एंड श्वेता बिकॉज ऑब्वियसली सीजनड एक्ट्रेस है तो मैं उसके बारे में क्या बोलूँ कि उसने अच्छा किया शी वॉज ऑब्वियसली ब्रिलियंट इन द शो लेकिन सेंग दिस कि वो श्वेता और मेरी केमिस्ट्री उसमें बहुत अच्छी थी उस बच्चों को भूला नहीं जा सकता वहाँ पर बिकॉज शी वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट शो इन फैक्ट आफ्टर डूइंग दैट शो आई वॉज़ टेलिंग माई वाइफ वन डे दैट यू नो प्रॉब्ली दिस शो हैज चेंज मी एज अ पर्सन इट हैज़ मेड मी अ बेटर पर्सन बिकॉज फॉर मी मैंने जिंदगी में पहली बार रियलाइज़ किया कि एक बेटी का बाप बन के मतलब आपके क्या वर्डिकल्स होते हैं या फिर आपकी फीलिंग क्या होती सो या दैट गर्ल इज माई अडोप्टिड वन एंड मैंने आप लिटरली उनको अपनी बेटी मांगते रियल लाइफ में भी हाँ 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 सो हा, so, uh, हम लोग मतलब uh, ओबली वो कौन सी जगह वो उमरगाँव में कहीं पे वो शूट कर रही है सो शीज तो लेकिन अभी भी मतलब लाइफ का कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डिसजन हो तो वो बिना मैसेज किए या फ़ोन किए मतलब अपने वो, वो करती नहीं तो ये ऑब्वियसली दैट इज़ द बॉन्ड दैट वी क्रिएटेड एंड वी हैव बीन एबल टू मेंटेन बट

मजा नहीं आया ऐसा था ही नहीं सो so, वो इंसॉम्बुल जो है वो लोग निकाल के लेकर आए तो, really, well मतलब इट रियली एवरी थिंग लुक वेरी वेल थाट आउट दैट प्रॉबली मतलब जैसे आई कंसिडर कोशिश एज वन ऑफ माई बेस्ट शोज बिकॉज इनिशियल शो था अस्तित्व दिस वन रैंक्स राइट अप दै जी हाँ दोस्तों मेरा खुद का मर्चेंडाइज अंगार मर्चेंडाइज चंपर्स टी शर्ट्स हुडीज़, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज अंगार डॉट स्टोर यहां पर क्लिक करिए लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे साल, राइट, ऐसा कभी हुआ है ट्रबल फेज जहाँ पे काम ना हो या उसूलों की वजह से आपने ना कह दिया हो फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो या सही काम ना मिला हो इस वजह से आपने काम नहीं किया आ, लंबा वक्त था हर दो साल में ऐसा वक्त आता था मेरे साथ तो अभी भी ये होता है कि मैं मतलब दो साल में छः महीने काम करता हूँ उसके बाद फिर दो साल मेरे पास काम नहीं होता फिर आ, Oh, मतलब बैंक्रप्सी तो हर कुछ एक साल में मेरे पास आती रहती कि अच्छा यार आप काम कर लेते हैं बिकॉज अब आगे कैसे घर चलेगा एंड uh, ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप काम नहीं करते हो बहुत ज़्यादा फ्रैंकली मतलब दुनिया में देख लो बहुत ज़्यादा एक्टर बहुत ज़्यादा काम करते नहीं हैं वो इसलिए क्योंकि ओके एक पॉइंट है वो आई वुड वॉन्ट टू पुट अक्रॉस even at the cost of being boastful i started off let's say in 2000 when i did koshish ekasha agar usme main bolu ki ek second lead to tha mere paas na sandhya mratul was the main lead and uh, 2019 में मेरे raid की dulhan शुरू हुआ. i was playing the lead in that also 19 साल के बाद Uh, कितने हैं एक्टर्स जो उस समय पे शुरू हुए थे और जो 19 साल के बाद भी टेलीविजन में लीड कर रहे हो कई हैं जो कि मूव ऑन कर गए वो आगे चले गए या फिर और मुझे लगता है कि वो इसलिए बिकॉज यू हैव टू यूज योर सेल्फ स्पेयरिंगली जैसे दिलीप साहब ने ये बात कही थी कि ये खिलौनों की दुकान है तुम्हारे पास लिमिटेड खिलौने हैं चाहे तो पाँच साल में बेच दो सारे के सारे या फिर पचास साल में एक एक करके बेचो सो फैंशियल गेन और ये सब कुछ हाँ मतलब मुझे भी लगता है कि यार जितनी बड़ी मेरे पास गाड़ी उससे ज्यादा बड़ी हो सकती थी घर उससे ज्यादा बड़ा हो सकता था बट जरूरत है क्या उसकी सर्वाइविंग फॉर थर्टी इयर्स आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट देविंग जब वो दो साल बीच में काम नहीं करते हो जो साइकिल आता है हुँ. वापस पूछ रहा पूछो क्योंकि कभी कभार मेरे साथ फेज हुए जब मैं कभी कभार अगर छोटा सा भी ब्रेक लूँ कुछ सालों पहले की बात करो फट जाती थी यार और मैंने सुना एक्टर्स की यार अरे यार जब मेन लीड किया प्रोजेक्ट में और सडनली पता चला आठ महीना काम नहीं किया आई हर्ड ऑफ एक्टर्स भाई यही बैठ के जो मुझे बोलते इमोशनल ब्रेकडाउन होता था आई यूस टू गो थ्रू ट्रामा की मेरा करियर ख़त्म है क्या लोग आगे जा रहे हैं वो जब आप खाली बैठते थे I mean खाली from work, mindset क्या था? सो so, ये वाली चीज़ मेरे साथ एक बार हुई है इस दिन कि मुझे मेन लीड मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैंने एक्चुअली ये मान के रख लिया था कि अब मुझे काम ही नहीं मिलने वाला है बिकॉज आपको समझ में आता है आसपास बहुत कुछ बदल रहा है और वो इतनी तेजी से बदल रहा होता है कि आप और मैं सही बताऊँ आसान नहीं होता कि अच्छा ठीक है नहीं मिला तो देखा जाएगा बिकॉज तुम्हें काम तो एक ही आता है ना करना लाइफ में तो मैंने ये सोचना शुरू किया अच्छा और क्या क्या किया जा सकता है बिकॉज जिस तरीके से और ऐसा नहीं है एक बार जब काम नहीं था तो एक मैंने ऐसा शो उठाया जो कि मैं खुद सोच रहा था यार सुन तीन चार महीने चल जाए उतने पैसे आ जाए कि मैं अगले दो साल और निकाल लूँ मेरी लाइफ में खर्चे कोई बहुत ज़्यादा बड़े हैं नहीं मतलब ऐसे नहीं कि रोज़ पार्टी चल रही है कुछ घर से बाहर में निकलता नहीं हूँ परिवार अपना वही है उनके ऊपर जो खर्चा है वही खर्चा है बेसिक नीड्स है जो मेरे शौक हैं वो बहुत खर्चीले हैं लेकिन उसके लिए ऊपर वाले ने इंस्टाग्राम बना दिया है <laughs> तो वो आई आई स्पेंड लॉट ऑफ माय मनी ऑन म्यूजिक एंड बाइकिंग का शौक है मगर वो अलग चीज़ है अच्छे शौक है बट उसके अलावा तो एक बार ये बाकायदा सिचुएशन थी जहाँ पर कि आई हैड टू री थिंक क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा मैंने एक बहुत ही विभत्स शो उठाया लेकिन मुझे लगा कि कर लेना चाहिए पैसे तो मिलेंगे इसके कुछ भी हो गए तो मैंने वो भी किया है और एक बार नहीं मैंने दो बार या तीन बार ऐसा किया है कि आ, मैंने जहाँ दिल नहीं मान रहा था पर किया हाँ हाँ और ऊपर वाले से जो है ना मतलब रोज़ सुबह निकल के यूँ करके तीन महीना याद रखना मतलब उससे ज़्यादा ना चल जाए कहीं ऐसा ना मैं अटक ही जाऊँ यहाँ पे बट उन शोज़ का पता होता था कि ये तीन चार महीने से ऊपर जा ही नहीं सकते मतलब मैंने बहुत कष्ट अगर झेला है तो आठ महीने का एक बार झेला पता नहीं आठ महीने कैसे खिंच गया शो लेकिन हालांकि मेरी एक समय के बाद ज़रूरत वहाँ कम ही पड़ती थी लेकिन आ, हुआ है ऐसा बिल्कुल हुआ है और इनफैक्ट जब मैंने ये मेरे अंगने में किया था तो दो महीने तक तो मैं मना करता रहा था बिकॉज मुझे लगा कि यार शायद इस शो में अल्टीमेटली मेरे पास करने के लिए कुछ होगा नहीं बहुत ज़्यादा वो सच निकला लेकिन दे हैड अप्रोच मी फॉर द रोल ऑफ द फादर एंड दे दैट कि यार सर आपको एज प्ले करने में प्रॉब्लम मैंने कहा एज प्ले करने में कहाँ से प्रॉब्लम होगी मैं तो अस्तित्व में जब एज लीप हुआ था तो मैंने मना कर दिया मैं नहीं करूँगा तो संगीता सिन्हा का फोन आया कि वो बोल रहे हैं कि वाइटनर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना मैंने कहा मैं इसीलिए तो मना कर रहा हूँ कि अगर एज लीव करना है तो मैं प्रॉपर्ली करूँगा मैं नहीं करूँगा इस तरीके से कि ऐसा का ऐसा ही मैं आ गया कि अभी तक मैं छब्बीस साल का था कि दो साल के आपने जो स्टोरी दिखाई है सत्रह साल के बाद भी मैं वैसा ही दिख रहा हूँ सुधर so, तो साहब तुम्हारी प्रॉब्लम ये है मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम ये है सो so, मैंने तो तब जो है बाकायदा वेग वगैरह बना के बाल वाल सफ़ेद दाढ़ी मूछ लगा लुगू कि मैंने किया था मैंने कहा आई एम नॉट ऑफ दैट ट्रांजेक्शन करना होगा तो कर लूँगा मैं आज की रेट में सॉल्ट पेपर लेकर घूम रहा हूँ लोगों को लगता है सर ऐसा क्या होगा मेंटेन करो नो बट ये रंगवाया नहीं है ये असली है ना सो so, मुझे उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ ऐसा बहुत बार होता है कि आ, काम नहीं है और आपको समझ नहीं आता कि अच्छा अगली बार क्या होगा बुरे काम भी किए उस चक्कर में मैंने लेकिन इंतज़ार करके वो वाली जो होता है कि यार आ, एक बार उस सिचुएशन में भी मैं गया हूँ जहाँ पे कि समझ में नहीं आ रहा था कि बस आई वॉज एक्चुअली डाउन टू वन एंड हाफ टू टू ऑफ सेविंग्स इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग कितना था भाई वो uh, उस समय मेरे ख्याल से यू अबाउट द मनी रहे होंगे बैंक में कुछ डेढ़ पौने दो लाख रुपए और ये कब था वी आर इन सो आई थिंक से फिफ्टीन शायद तो माने बैंक अकाउंट में दो लाख रुपए थे दो महीना सेविंग्स हुँ. बीवी भी थी उस वक्त बीवी तो 2004 से तो माने बीवी भी थी बच्चा हुँ. भी था आई प्रज्यूम बच्चा एक डेढ़ साल का था नहीं सॉरी बच्चा भी था चार साल का था हाँ वो तो 2010 में पैदा हुआ तो यानी बीवी भी थी बच्चा भी था एंड जस्ट टू लैक्स एंड कई लोगों को ये रकम बड़ी लगती है <coughs> छोटी रकम होती भी नहीं है वैसे लेकिन जब आपके पास बच्चा हो ना छोटा तो आपके खर्चे जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ में जब दो कुत्ते हो तो और ज़्यादा होते हैं और साथ में आपके पेरेंट्स भी घर में रहते हो तो और ज़्यादा होते हैं सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ फैमिली ऑफ सेवन एक्चुअली लोगों को लगता है कि कुत्तों के ऊपर होता है जाए, दो बार का खाने तो खाते हैं ऐसा होता नहीं एक्चुअली <laughs> अगर आप कैलकुलेट करो तो महीने में उनके खर्चे आपसे ज़्यादा होते हैं सो या आई वॉज ऑलमोस्ट डाउन टू माई लास्ट पैनिंग उसके बाद क्या हुआ तो उसके बाद एक सात दिन का काम आया उसके बाद फिर एक ये शो आ गया कुछ समय के बाद मेरे डैड सॉरी कौन सा था मेरे अंगने में और उसकी भी शूटिंग में महीने में दो या चार दिन ही करता था तो ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा कमाल ही हुआ पड़ा था कुछ तो हम लोग ड्राइंग बोर्ड पे गए और हम लोगों ने जो है अपना प्लान बनाया कि किस तरीके से क्या क्या होगा suppose? ये हम लोग कौन है मैं और राज तो देन वी डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है आपको हमें क्या क्या खर्चे किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे काटने क्या करना एंड सी इफ पीपल कॉल मी चूजी देन दे हैव टू सी माई वाइफ Uh, और वो ऐसा नहीं मतलब वो शाम बेनेगल के साथ पली बड़ी हैं आठ फिल्में कर चुकी हैं उनके साथ और आदत वो वैसी वाली है कि वो शाम बाबू जो है नौ से छः शूटिंग करते थे और आउटडोर में भी संडे को छुट्टी उस समय पर तो मतलब राजयोग लेकर पैदा हुआ वो कोई इंसान तो क्या ही कर सकते हो तुम एंड दैट इज़ हाउ वी वुड मैनेज बिकॉज अब ये आपने यू हैव डिसाइडेड टू टेक दैट रोड लेस ट्रेवल्ड बाय कि कुछ भी आ जाए कोई भी काम आ जाए तो आप कर लेंगे ऐसा भी नहीं है ऐसा भी नहीं कि मुझे आर्ट फिल्म्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं या फिर मुझे अपीरेंस में लोग मतलब मैं आज तक कभी भी किसी नवरात्रे वगैरह के शो पे नहीं गया हूँ आई नेवर बीन इनवाइटेड जो मैंने अगर इनवाइट किया तो जाओगे हाँ क्यों नहीं ऑब्वियसली वाई नॉट बोला कि शादी में जाके किसी को हक कर दो झप्पी दो पैसे मिल जाएगी जाओगे आप बिल्कुल ये पहले मुझे लगता था ये हमारा काम थोड़ी ना है लेकिन इस मामले में शाहरुख खान ने बड़ा सही हेल्प किया बोलते यार देखो तुम है मिरासी हमारा काम है परफॉर्म करना अगर कोई मुझे बोलता शादी में परफॉर्म करना है मैं चले जाऊँगा मैंने कहा बात तो सही कर रहा है यार सो so, नजबली के बाद मैंने वो भी किया बहुत तो वैसा कोई वो नहीं है कि नहीं हम एक्टर हैं टाइप नहीं यार तुम्हारा काम अगर एंटरटेन करना है और अगर किसी को चाहिए कि हमारी शादी में आके नाच जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो लेकिन उसके बाद भी कि जहाँ पे आपको टीवी पे पर देखना है वहाँ पे आप ज़रा थोड़ा बिकॉज अल्टीमेटली शादी बना के आपके करियर का कोई नुकसान नहीं होने वाला है चार बुरे शोज कर लो उसके बाद पाँचवें दिन से कोई कॉल भी नहीं करेगा आपको तो वो वाली चीज़ थी तो मेरे साथ तो मतलब हर कुछ एक साल में होता रहता है जहाँ पर कि मेरी माली हालत जो है वो बहुत ही नाजुक सी हो जाती बट देन एज आई सेट दट बोध डिसाइड नहीं यार काम जो है वो उतना करेंगे जिस तरीके से एंड प्लस वी डोंट हैव वेरी लाविश टेस्ट टेस्ट बहुत लाविश है नीड टेस्ट तो अभी गिरा शुरू करूंगा तो आई एम श्योर दॉट वेरी मैनी साउंड सिस्टम आई स्टिल लिसन टू माई म्यूजिक ऑन एल पीज आई हैव गॉट रिकॉर्ड प्लेयर स्पेशली बिल्ट फॉर माई सेल्फ देन आई हैव फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर फोर ऑफ देम इन माई स्मॉल लिविंग रूम एंड आई यूज सेपरेट्स एंड द होल रेग इज बेट राज मोहतरमा जो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है जिनसे मैं बहुत सालों से नहीं वेला बट आई लॉर्ड ऑफ लव फॉर उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया आपके लाइफ में किस तरह से ओके okay. सो so, um, अगर मैं मैं और राज साथ में नहीं होते एंड स्पेसिफिकली अगर मैं और राज साथ में नहीं होते तो मुझे लगता नहीं कि मैं ए इतना ज़्यादा सर्वाइव करता है इंडस्ट्री में प्रॉबली बिकॉज ऐसा नहीं कि मुझे कुछ हो जाता मैं शायद एक्टिंग छोड़ चुका होता क्योंकि दो आई लव माई प्रोफेशन एंड एवरी थिंग बट आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन टू बी अ पार्ट ऑफ इट टेक्स टू मच ऑफ अ टोल ऑन योर बॉडी एंड माइंड क्योंकि यू नो कई लोगों को लगता नहीं है आए एक्टिंग ही तो की और किया क्या आपने आपने uh, लेकिन बहुत बहुत कष्ट होता है यू नो इज अ लॉट दैट गोज इन टू एग्जीक्यूटिंग अ कैरेक्टर तो वो परेशानी अगर आप उससे ग्रस्त हैं तो फिर एक्टिंग uh, जो है वो इसीलिए ये एक और कारण है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते uh, जैसे मेरे डैड की दुल्हन ख़त्म करने के बाद भी मुझे लगा कि यार छोड़ो अभी एक साल तो मैं कुछ नहीं करने वाला कई लोगों के लिए वही टाइम होता है कि यार आओ भुना लो जब तक की है सो so, uh, कोई चीज़ जैसे अगर मैं खरीदने निकलूं तो वे बोलती है अच्छे काम करते हैं घर चल के आज रात को सोचते हैं कल बताना कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए छोटी छोटी चीज़ें हैं ये uh, आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू she not शी नॉट बीन अराउंड बिकॉज शी डज की वेरी कीन आई ऑन हालांकि हमारे खर्चे नहीं है बहुत ज्यादा लेकिन उसके बाद भी रनिंग ऑफ द हाउस इज कम्प्लीटली हर जॉब एंड शी डज़ इट वेल पैसा हम दोनों को समझ में नहीं आता है दैट्स द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट पार्ट लेकिन उसके अलावा एक जो सैनिटी प्रिवेल करती है लाइफ में टच लाइक like हम लोगों के बीच में जो है ना अब जैसे मैंने बोला हमारे उस चीज़ पर झगड़े नहीं होते अरे यार वो लड़की को तुमने देखा या फिर तुम्हारे जो है इस लड़की के क्यों फ़ोन आ रहे हैं यार ये सब कुछ वो चीज़ें हैं ही नहीं काम हम लोग आपस में जो भी करते हैं मतलब या एक्टिंग का जिसको जो करना होता है जस्ट डिस्कस कि अच्छा करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक तो वो बहुत बड़ी चीज़ है कि शी हैज़ अ ग्रेट आई फॉर गुड परफॉर्मेंसेस एंड सो या दैट्स क्वाइट हेल्प बट इन ऑल आई थिंक आई शोज़ वेल शीज वेल टू वो हमेशा ये बोलती कि नहीं यार ज़बरदस्ती तुमने ही की थी तो मैं यही बताता हूँ मैंने कहा यार उम्र हो रही थी तेरी लड़का कोई मिल नहीं रहा था तो मुझे लगा फॉर फीमेल इमैनसिपेशन मुझे ये सक्रीफाइस uh, कर देना चाहिए सो आई सेक्रीफाइस माई सेल्फ एट दी ऑल्टर ऑफ आपको बुलाया जाता है आमिर खान ऑफ टी वी दो तीन रीजन हो सकते हैं आप एनालाइज करिए या तो आप परफेक्शनिस्ट हैं या तो आप खुश जाते हैं रोल में या तो आप डिफिकल्ट है काम करने के लिए बिकॉज परफेक्शनिस्ट डिफिकल्ट होते काम करने में वाई डू थिंक यू गॉट दिस टैग पहले तो uh, मैं आमिर खान क्यों हूं मुझे नहीं समझ में आता मैंने आपको रीजन दी थी तीन चार में से एक हो सकते हैं परफेक्शनिस्ट बिकॉज आई पर्सनली फील कि किसी भी चीज को बोरिंग बनाने का सबसे आसान तरीका है उसको परफेक्ट बना दो। uh, मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूं बट या आई लाइक टू डू थिंग्स वेल उतना आई आई डिफिकल्ट टू वर्क विद यस आई एम वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद बिकॉज मेरे साथ सबसे बड़ी परेशानी ये कि अगर आपने मुझे काम करने के लिए बुलाया है तो आप भी उतनी ही मेहनत करते नज़र आने चाहिए मुझे जितनी कि मैं अपने किसी एक कैरेक्टर के लिए करता हूँ मुझे कन्नी काट के निकलने वाले लोग पसंद नहीं इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड आप हैं यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं ना या तो मत आओ लेकिन आप आ गए हो ना तो फिर जैसे मुझे नहीं समझ में आता अरे आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं यार मुझे जल्दी छोड़ देना अरे तो पहले ही बोल देते आते ही नहीं आज फिर ऐसी क्या जरूरत तो आन पड़ गई <laughs> बहुत सुनने को मिलता है ये लाइंस आजकल से सो मैं मतलब किसी भी चीज़ के लिए सेट पे लड़ जाऊँ लेकिन मैं इस चीज़ के लिए कभी वो नहीं करूँगा जिरह नहीं करूँगा कि यार मुझे नौ बजे बुलाया है और मेरा दो बजे तक शॉट नहीं हुआ है आपने मुझे नौ बजे बुलाया था योर पेइंग मी फॉर द होल डे फेंटिक अगर मेरी कोई ज़रूरत कोई काम ऐसा हो जो कि अगर मैंने पहले से बोल के रखा होगा कि आज करना है अगर हो सकता है तो एडजस्ट कर लेना और उसके बाद वो बोले कि नहीं सर मर जाएंगे सर हो जाएगा और उसके बाद आप दो बजे तक तो बैठे हो तो फिर तो किसी को भी गुस्सा आएगा बट अदरवाइज अगर आपकी डेट जा चुकी है आप मुझे बैठाओ आप उनसे काम कराओ वो मेरा कंसर्न नहीं है आप मुझे चार बजे शाम को छः बजे शाम को बोलोगे कि कम ऑन टू द सेट मैं तैयार मिलूंगा आपको बट इ लॉजिकल कि कुछ भी अब शो में अच्छा क्या करें तो इंकी पिंकी पोंकी अच्छा ये ट्रैक उठा लेते हैं मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आती आई थिंक दे हैज़ टू बी अ सर्टन ऑर्डर इन विच यू डू थिंग डू थिंग डिफ़िकल्ट उस चीज़ में है कि मतलब मुझे नहीं समझ में आता अगर लोग उतनी मेहनत ना कर रहे हो जितनी कि uh, मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूँ और तीसरा क्या था बहुतों के हिसाब से तो आई है प्रॉब्लम की मैं सीधे मैं वो बात नहीं करता फ्रैंकली बात ये कि मैं बात ही नहीं करता बहुत ज़्यादा तो सीधे मुँह हो टेढ़े मुँह हो चाहे कुछ है आ, लेकिन मैं बदतमीज़ी करता नहीं पाया जाता किसी के साथ कभी भी आई लाइक माई स्पेस और आमिर खान होने का तीसरा क्या कारण था अच्छे एक्टर हो <laughs> इसके बाद और कोई सवाल है थैंक यू सो मच वरुण